नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। अराइज न्यूज के इस एपिसोड में आज हम आपको एक ऐसे धाम के बारे में बता रहे हैं जहां सच्चे मन से मांगने वालों की मुरादें जरूर पूरी होती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के जिला झज्जर के कस्बा बेरी के पास ऐतिहासिक बिसाण गाँव स्थित महाराज भीष्म जी परमहंस हरियर के घड़ोई धाम की। महाराज भीष्म जी परमहंस हरियर ने यहाँ घोर तपस्या की और अपनी तपस्या से इस स्थान को धाम का दर्जा दिया। यहाँ ये भी बता दें कि ये क्षेत्र महाभारत काल से ही ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। बाबा जी ने हमेशा अपने सेवकों को सरलता से सद्मार्ग का रास्ता दिखाया। बाबा जी जीवन भर इस बात की सीख देते रहे कि इंसान को ईश्वर द्वारा निर्धारित मानवीय व्यवहार ही करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। महाराज भीष्म जी परमहंस हरियर ने जीवन पर्यंत दीन दुखियों की सेवा की। उनके लिए अमीर गरीब सभी बराबर थे। उन्होंने जिस किसी को भी अपना आशीर्वाद दिया उसके दिन सुधर गए। उनकी वाणी में इतना ओज था कि उनका वचन कभी खाली नहीं गया। उनके आशीर्वाद से जहाँ लाइलाज रोगी स्वस्थ हो जाते तो वहीं संतानहीनों को संतान और गरीबों को उनकी धन धान्य की इच्छा पूर्ति हो जाती। यही वजह है कि बाबा भीष्म जी परमहंस हरियर के इस घड़ोई धाम में संतरी से लेकर मंत्री तक दूर दूर से लोग आते हैं। महाराज भीष्म जी परमहंस हरियर समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। इसके लिए उन्हें कहीं कहीं धर्म के ठेकेदारों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं डिगे और समाज सुधार की दिशा में हमेशा आगे बढ़ते रहे। उन्होंने लिंग भेद, दहेज प्रथा, नशा मुक्ति, दलित उत्थान की दिशा में अनेक कार्य किए और समाज को जागरूक किया। यही वजह है कि आज बाबा भीष्म जी परमहंस हरियर के शिष्य देश ही नहीं विदेशों में भी हैं और वो समय समय पर यहाँ आते हैं और बाबा जी का ध्यान करते हैं। वर्तमान में बाबा भीष्म जी परमहंस हरियर के परम शिष्य बाबा ध्यानानंद जी घड़ोई धाम में सेवारत हैं। घड़ोई धाम के अलावा महाराज जी के तीन और आश्रम हैं। महाराज जी का दूसरा आश्रम बेरी रोहतक रोड कबूलपुर गांव से पहले मेन रोड पर है। तीसरा आश्रम बिसाण मोड़ पर है। तो वहीं महाराज जी का चौथा आश्रम गाँव की थलियों में है। महाराज जी के सभी आश्रमों में जाकर प्रकृति से सीधा जुड़ाव महसूस होता है। महाराज भीष्म जी परमहंस हरियर परमहंस पीढ़ी के चौथे संत हैं। बाबा छोरा वाले तिगड़ाना में, बाबा रामानंद जी खुड़ाना के पहाड़ों में, बाबा राम प्रसाद जी बेरी के पास बजीरपुर दादिया गांव के धाम में विराजमान हैं। बाबा भीष्म जी परमहंस हरियर को बाबा राम प्रसाद जी से ही शिक्षा दीक्षा मिली थी। बाबा भीष्म जी परमहंस हरियर के घड़ोई धाम में वैसे तो पूरे साल भर भंडारे होते रहते हैं, लेकिन उनके यहाँ होने वाले चार भंडारे मुख्य हैं। एक भंडारा ज्येष्ठ सुदी द्वादशी, दूसरा भंडारा महाराजा भीष्म जी परमहंस हरियर के जन्म दिवस 26 अक्टूबर को, तीसरा भंडारा भादो पूर्णिमा को और चौथा विशाल भंडारा बाबा परमानंद जी की पुण्यतिथि चैत्र सुदी पूर्णमासी को होता है। इन भंडारों के प्रसाद के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। महाराज भीष्म जी परमहंस हरिहर की असीम कृपा से इस समय अराज न्यूज की टीम मौजूद है घड़ोई धाम बिसाण में। आज पूर्णमासी के दिन महाराज परमानंद जी परमहंस हरिहर की तीसरी पुण्यतिथि का भंडारा है। वहीं महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया जा रहा है। यह सब कार्य महाराज ध्यानानंद जी परमहंस हरियर की देखरेख में संपूर्ण हो रहे हैं। महाराज भीष्म जी परमहंस हरियर और उनके शिष्य बाबा परमानंद जी समाधि के रूप में घड़ोई धाम में विराजमान हैं। बाबा भीष्म जी परमहंस हरियर अपने सेवकों को हमेशा कहते थे कि भाई हमेशा लेकर देना और बांट कर खाना और हर किसी जीव के प्रति दया का भाव रखना, तो फिर से इंसान की योनि में जन्म लोगे और इस लोक के साथ ही परलोक में भी याद किए जाओगे। अगर आप बाबा भीष्म जी परमहंस हरियर के घड़ोई धाम जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली से बेरी के लिए बस मार्ग से जा सकते हैं। बाबा का घड़ोई धाम
देरी से मात्र 3 किलोमीटर दूर बिसाण गांव में स्थित है। एआरआई न्यूज के लिए झज्जर के घड़ोई धाम से सतीश सुमित्रा कौशिक की रिपोर्ट।